बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दसर अनवर, आपके साथ कुकिंग विद मुनीर साउंड चैनल से हाजिर हूं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, अल्हम्दुलिल्लाह जो शादियों पे बहुत ही मज़ेदार तैयार की जाती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम दो गिलास पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पहले इसको उबाल आने देंगे, दो मिनट हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसको उबाल आने देंगे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी को उबाल आ रहा है। इसके अंदर देखें, हमने आलू बुखारा ले लिया 250 ग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया, बहुत ही ज़बरदस्त आलू बुखारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, तकरीबन 7 मिनट हम इसको ढक्कन की मदद से कवर करके पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मिनट हो गए हैं, तो चलिए ढक्कन उठा के देखते हैं। अभी हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, तो चलिए इसके अंदर 2 चुटकी लाल मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चुटकी नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच सिरका डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। अभी हम इसको दोबारा 10 मिनट तक ढक्कन की मदद से कवर करके छोड़ देंगे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, तो चलिए इसके अंदर हम 200 ग्राम चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर 200 ग्राम चीनी डाल दिया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त शीरा तैयार हो गया इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त आलू बुखारे की चटनी तैयार होगी, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल शादियों वाली तैयार होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई कलर वगैरह, कोई और मसाले भी नहीं हमने डाले इसके अंदर, सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली है। अभी हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी हम इसके अंदर बादाम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादामों से हमने छिलका उतार लिया। अभी हम इसमें 4 मगज़ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसके अंदर 1 दफ़ा चम्मच चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चाशनी भी तैयार हुई है, चटनी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और 3 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे ताकि हमारे बादाम और 4 मगज़ हैं वो भी गल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो गए हैं और बादाम भी हमारे तैयार हो गए हैं और चटनी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी चटनी और खुशबू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, पूरे किचन में खुशबूएं फैली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी प्यारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आलू बुखारे की शादियों वाली चटनी तैयार हुई है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।